सेमिनार का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन 11 राज्यों के विशेषज्ञ शोधकर्ता शामिल हुए। सतत विकास की समस्याओं और उनके समाधान विषय पर 152 रिसर्च पेपर पढ़े गए और उन पर मंथन आयोजित हुआ। शोधकर्ताओं ने कहा है कि देश टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है और इसके बावजूद विकास प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे गरीबी, कुपोषण, शिक्षा आदि। इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना होगा, तकनीक ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। आम के लिए खास करके भारत जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा की जा रही है। 9 प्रदेश से भी ज्यादा लोग आए हैं, 120 से भी ज्यादा पेपर पढ़े जाएंगे और कुछ न कुछ मुद्दों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। जैसे कि हमारे ये जो सेमिनार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्न एंड इशू विद स्पेशल रेफरेंस ऑन गांधीयन अप्रोच के ऊपर हो रहा है। तो हमारे यहाँ से कुल 152 पेपर आए हैं, रिसर्च पेपर, और 11 स्टेट से लोग आए हुए हैं। तो ये जो कुल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अप्रोचेस चलती है उसमें से कुछ गोल्स जो है वो यूएनओ के द्वारा भी निर्धारित किया गया है। बोलते हैं हमारा विकास हो चुका है, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज भी हमारे सामने खड़ी होती है। माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, जैसे अभी भी गरीबी है, फिर बहुत सारे लोगों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। तो हम एक तरफ विकास की बात भी कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं आज भी हमारी। बड़वानी में महिला सम्मेलन के दौरान करंजा